नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज का हमारा शो है महंगे मकान जबरदस्त डिमांड। ये बात इसलिए क्योंकि ये दिवाली रियल्टी सेक्टर के लिए जबरदस्त साबित होने वाली है। खासकर पिछले साल के मुकाबले इस साल जनवरी से लेकर अब तक लग्जरी घरों की यानी महंगे घरों की डिमांड में करीब, आप जरा गौर से इन आंकड़ों को सुनिए, 57% का उछाल देखने को मिला है। वहीं इस साल के सेकेंड हाफ में यानी दूसरी छमाही में करीब 1.5 लाख घरों की रिकॉर्ड बिक्री की भी उम्मीद की जा रही है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लग्जरी घरों की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है, ऊंची ब्याज दरों के बावजूद क्यों महंगे मकान बिक रहे हैं, घरों की बिक्री में आई इस तेजी की वजह आखिर क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। लोग महंगे और लग्जरी घर क्यों खरीद रहे हैं, क्यों उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि क्या ये वक्त आपके लिए घर खरीदने का सही वक्त है। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो क्या आपको घर खरीदना चाहिए या थोड़ा इंतजार करना चाहिए ब्याज दरों के कम होने का, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवाली के जश्न में पटाखे तो रियल्टी सेक्टर में फूट रहे हैं। फूटे भी क्यों ना, घरों की बिक्री में आए जबरदस्त उछाल ने इस सेक्टर में फिर से जान फूंक दी है। यानी ये कहना गलत ना होगा कि रियल्टी सेक्टर में फिर से बाहर लौट आई है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट CBRE की माने तो इस साल के सेकेंड हाफ में करीब 1.5 लाख घरों की बिक्री का अनुमान है। इसकी एक बड़ी वजह त्योहारी सीजन है। घरों की डिमांड में आई तेजी के आंकड़े पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है, जबकि 2021 में जुलाई से दिसंबर के बीच घरों की कुल बिक्री 1,14,500 के करीब थी। 2022 में आंकड़ा बढ़कर 1,47,300 पर आ गया और अब इसके बढ़कर 1.5 लाख के करीब होने की संभावना रियल्टी सेक्टर को बूस्टर डोज देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, रियल्टी सेक्टर को खाद पानी देने में लग्जरी घरों की डिमांड की भी बड़ी भूमिका है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से सितंबर तक 4 करोड़ या इससे अधिक कीमत के 9,246 लग्जरी घरों की बिक्री दर्ज की गई, जो कि पिछले साल इसी दौरान हुई करीब 4700 लग्जरी घरों की बिक्री से 97% ज्यादा है। वहीं महंगे घरों की बिक्री को लेकर एंड्रॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की रिपोर्ट की माने तो इस साल जनवरी से सितंबर के बीच देश के 7 मेट्रो शहरों में 1.5 करोड़ या इससे अधिक कीमत के करीब 84,400 घरों की बिक्री हुई है। यानी बड़े और लग्जरी घर को लेकर लोगों की चॉइस तेजी से बदली है। ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि हाल के दिनों में रेपो रेट बढ़ने से होम लोन की दरों में भी 1.5 से 2.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। लग्जरी घरों की डिमांड में 37% के साथ सर्वाधिक उछाल दिल्ली NCR में देखने को मिला है। इसके बाद ये उछाल 35% के साथ मुंबई, 18% के साथ हैदराबाद और 4% के साथ पुणे में देखने को मिला है। इसके अलावा बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में भी लग्जरी घरों के डिमांड में तेजी देखने को मिली है। घरों की बिक्री पर एंड्रॉक के हाल के डेटा की बात करें तो देश के 8 मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच कुल 3,49,000 घरों की बिक्री हुई है। वही फेस्टिव सीजन के चलते अक्टूबर से दिसंबर के बीच पहली बार घर खरीदारों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक की हाल की एक रिपोर्ट के माने तो दुनिया भर में लग्जरी घरों की कीमतें बढ़ने के मामले में मुंबई 4th स्थान पर है। फिलहाल तो लोग घर की खरीदारी के साथ प्राइवेसी को भी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसके चलते महंगे घरों की डिमांड में ये तेजी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर साहब जो कि VC हैं नरेडको के, हमारे साथ गुलाम जिया हैं ED हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के, और साथ ही अभिषेक त्रेहन हैं ED हैं त्रेहन आयरिस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। मेरा पहला सवाल राजन जी आपसे होगा, सर ये जो रिपोर्ट अभी हमने दिखाई बड़ी दिलचस्प है कि आप देखिए, एक तो ब्याज दरें अभी हायर लेवल पे हैं, उसके बाद भी लग्जरी घरों की बिक्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? सर सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके चैनल में जो भी सुन रहे दर्शक उनको दीपावली की शुभकामना देना चाह रहा हूँ और नव वर्ष की भी बधाई देना चाह रहा हूँ। सर इसका
सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है डेवलपर को जाता है, क्योंकि अगर आप देखो तो डेवलपर ने जो हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से दाम नहीं बढ़ा है। तो आज क्या हुआ कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि कोई भी मूवी हिट होने के लिए एंटरटेनमेंट 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 ये मेन होता है, इसी तरह अगर रियल इस्टेट में अगर आपको मार्केट में बरकरार रहना है और मार्केट के साथ आपको चलना है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल सेल सेल। इस मंत्र को सारे डेवलपर मेरे हिसाब से समझ गए। अच्छा, अगर आप देखो ब्याज दर बढ़ने के बावजूद रॉ मटेरियल, अगर स्टील बोलो सीमेंट बोलो हर रॉ मटेरियल, कॉपर बोलो पाइप्स बोलो जो भी, हर एक चीज के दाम बढ़ गए लेकिन उस मात्रा में घरों की कीमत नहीं बढ़ी है। ये अच्छा, पहला मुद्दा है। अच्छा, दूसरा मुद्दा अगर आप देखो तो इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है। हाँ। आज वर्ल्ड की बाकी जगह की इकोनॉमी अच्छी कर नहीं रही है, हालांकि पहले से वो लोग नीचे के नंबर पे आ रहे हैं और थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर एंड एंटायर गवर्नमेंट पॉलिसीज अपनी इकोनॉमी अच्छी कर रही है। जो भी आदमी जिसके पास भी पैसे विदेश में बोलो देश में बोलो, उनको आके भारत देश में निवेश करना है, और निवेश करते वक्त हर आदमी को कोरोना स्पेशली कोरोना के बाद उनको लगता है कि सबसे सेफ और अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो रियल इस्टेट है। अच्छा, ओ तो आप कह रहे हैं कि मतलब एक तो इकोनॉमी अच्छी कर रही है, आप कह रहे हैं कि घरों के दाम नहीं बढ़े हैं बहुत ज़्यादा, लिहाजा उस लिहाज से भी लोग लग्जरी घर खरीद रहे हैं। अब जरा गुलाम रिया जी आप जरा हमें बताइए सर, गाइड करिए कि ये जो महंगे घरों की बिक्री बढ़ रही है क्या ये उस लिहाज से बढ़ रही है कि लोग मतलब रहने के लिए ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, आपका रिसर्च क्या कहता है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े आप देख रहे हो लग्जरी मकानों की बिक्री के, इसका कारण जैसा कि अभी अब तक आपने बताया उसका एक कारण ये है कि ये वो सेगमेंट है जहां पर कोरोना के बाद कम इफेक्ट पड़ा था, कोरोना का सबसे मैक्सिमम इफेक्ट लोअर एंड पे पड़ा था, तो जो निचली सतर के जो मकान है उनको बिकने में आज भी थोड़ी बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन जो मिड टू अपर एंड वाले मकान है बहुत बिक रहे हैं, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद भी कोविड से पहले काफी वेल्थ क्रिएशन हुआ था, स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही थी और बहुत सारे और कारण थे। तो अपर एंड में जो मार्केट में लोग खरीद रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको होम लोन की दर में बढ़ने का कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि लोग होम लोन पर डिपेंड नहीं करते। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो अपर एंड पर है वो तो बिल्कुल सामने है कि मकान यहाँ बहुत बिक रहे हैं, लेकिन ये कहना कि इन्वेस्टमेंट के लोग खरीद रहे हैं मैं अभी इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि सिंपल है, अगर राजन जी की बात पर हम गौर करें तो इनका कहना है कि डेवलपर्स ने प्राइस नहीं बढ़ाया है, जो सच्चाई है कि मेरा ख्याल है 7% के आसपास अगर वेटेड एवरेज ग्रोथ पूरे मुल्क का अगर हम देखें भारतवर्ष में 7% के दरमियान आसपास साल भर में प्राइस बढ़ा है, और ये कोई इतना बेहतरीन ग्रोथ नहीं है कि इन्वेस्टर या निवेशक रियल एस्टेट मकान खरीदे निवेश के हिसाब से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो खरीद रहे हैं उसमें मजॉरिटी शायद चंद एक होंगे जो शायद इन्वेस्टमेंट के लिए फ्यूचर पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन जो मजॉरिटी खरीदार हैं जो अपने जाती इस्तेमाल के लिए खरीद रहे हैं, और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि निवेश या इन्वेस्टमेंट आज भी रियल एस्टेट में मुद्दा नहीं बना है। ओके, ठीक है, ये पॉइंट बड़ा वैलिड पॉइंट है, ताकि मतलब ये पूछने का हमारा मकसद ये है कि ताकि हमारे दर्शक ये समझ पाएं कि जो घरों की बिक्री का ट्रेंड है वो क्या कहता है ना। अब अभिषेक जी आप बताइए, तो लग्जरी घरों की बात हो गई, लेकिन जो जो मिडिल रेंज के घर हैं जो फ्लैट हैं या जो लोअर रेंज के फ्लैट हैं उनकी बिक्री का आंकड़ा क्या कहता है सर, क्या वहाँ पर भी हम कुछ बूम देख पा रहे हैं या वहाँ पर कुछ कंसर्न आपको दिख रहा है? इसके अंदर ज्यादातर तो देखा जा रहा है जैसे सर ने बताया कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है या जो एक जो है नॉर्मल वर्किंग क्लास पॉपुलेशन की हाउसिंग की बात करें तो उसमें ग्रोथ जो है वो धीमी हुई है, और जबकि लग्जरी हाउसिंग की सेल जो है काफी अच्छे आंकड़े से बढ़ी है, करीबन 70-80% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, और मुझे लगता है ये इसलिए हुई है क्योंकि ड्यूरिंग जो कोविड के दरमियान काफी लोग अपने कैपिटल पे रोक के बैठे थे, वो वेट कर रहे थे, प्लस एक सेंटिमेंटल फैक्टर हुआ, एक पेंटअप डिमांड हुई, दूसरा ये था लोगों को लगा कि सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ के अंदर कि एक अच्छे घर की और एक बड़े घर की। आज आप लग्जरी हाउसिंग में अगर देखेंगे
तो मोस्टली जो टू बेडरूम, टू एंड हाफ बेडरूम, थ्री बेडरूम, थ्री बेडरूम मोस्टली डेवलपर्स कम बना रहे हैं, लोग चार बेडरूम दे रहे हैं, उसके अंदर थ्री प्लस स्टडी तो मिनिमम दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट, लिट अप स्पेस, खुले बेडरूम, खुला घर और अच्छी एमिनिटीज, कम्युनिटी स्पेस, ये बहुत डिमांड में आ रही है। और जहां तक मेरा मानना है, मैं सहमत रखता हूँ अपने पैनलिस्ट से कि मोस्टली लोग घरों के अंदर ये चीज इन्वेस्टमेंट के लिए कम और अपने रहने के लिए मोस्टली एंड यूज देखा जा रहा है, क्योंकि जहां भी आप क्योंकि इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है प्राइसेस के अंदर, जिसके अंदर उनको बहुत ही ज्यादा ट्रेडिंग के अंदर मुनाफा हो कि आज बेचे, आज लें और छह महीने के अंदर ट्रेड करके वो कुछ कमाएं, ऐसा लोगों की सोच नहीं है। प्लस सप्लाई की बहुत ज्यादा कमी है, जहां इस मात्रा में माना जाए जो हमारे बिल्कुल सेंट्रल एरियाज है, गुड़गांव के या बॉम्बे के या पुणे के जो बहुत अच्छी लोकेशंस हैं, वहां पे अभी भी सप्लाई के अंदर बहुत कमी है। वहां पे इतने प्रोजेक्ट लॉन्चेस जो हुए हैं, आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो तीन दिन में सोल्ड आउट हुए, एक हफ्ते में सोल्ड आउट हुए हैं, और लग्जरी हाउसिंग के सोल्ड आउट हुए हैं जो बहुत महंगे हैं, ठीक है। तो उसको देखा जाए तो कोई ट्रेडर कम्युनिटी उसमें कम दिखाई देगी, आपको एक्चुअल यूजर ज्यादा दिखाई देगा, एक्चुअल यूजर आप कह रहे हैं कि ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और उनका उनकी जो बाइंग है वो ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट की बाइंग कम है, इस बात पे सब एग्री कर रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट राउंड में हमने एक जो घरों की बिक्री है उसके ट्रेंड को समझने की कोशिश की है। अब हम डायरेक्ट इस मुद्दे पे आते हैं कि अगर आपको घर खरीदना है, त्योहारों पर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या अगले कुछ दिनों में प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपके लिए सही वक्त है? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं गुलाम जिया जी, तो आप क्या कहेंगे? क्या चूंकि इस वक्त ब्याज दर थोड़ा हायर लेवल पे है सर, तो क्या ये वक्त सही है घर खरीदने के लिए, या आपको लगता है थोड़ा इंतजार करेंगे तो थोड़ा और सस्ता भी मिल जाएगा घर और ब्याज दरें भी कम हो जाएंगी? आपका टेक क्या है इस पे? इसको मैं आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में बांटना चाहूंगा। पहला हिस्सा मैं मकान के खरीदने पर गौर करूंगा और दूसरे हिस्से पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा होम लोन इंटरेस्ट रेट पर। तो अगर मैं पहली बात पर अगर ध्यान दूं, तो मेरा तो मैं खुद भी अगर खरीदार हूं तो मैं इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आगे बढ़ के मकानों के दरों में कमी की वजह से मैं बहुत ज्यादा फायदा कमाने वाला हूं। लेकिन अगर मुझे इस चीज की जरूरत है, मकान की सर पर छत की जरूरत है, गुलाम जी, गुलाम जी, नहीं सर, एक मिनट में रोकना चाहूंगा आपको। मतलब आप बात ठीक कह रहे हैं, मतलब मेरा देखिए, अगर मुझे घर लेना है तो लेना है, अगर मुझे घर की जरूरत है, मेरे पास घर नहीं है, वो तो पर्सनल इशू हो गया ना। लेकिन अगर आपसे कोई एडवाइस ले, मैं अगर आपसे पूछूं एक कंज्यूमर के तौर पे कि सर मैं अगले छह महीने साल भर तक के लिए प्लान कर सकता हूं, तो आप मुझे क्या सुझाव देंगे कि अभी आप घर ले लें या आप छह महीना रुक सकते हैं तो रुकें, आपको थोड़ा और सस्ता मिलेगा, उस लिहाज से आप क्या बताएंगे सर? मैं बिल्कुल वही आपसे कहना चाह रहा था कि ये कोई मकान के दर गिरते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, तो इसके लिए अगर 5-6% 7% अगर मकान के दर साल भर में बढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आज आपको खरीद लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई आप कोई ज्यादा सेव नहीं करोगे साल भर उस पैसे को अपने पास रख के, अनलेस अगर आप उसको कहीं और ट्रेड करके ज्यादा ग्रो करने वाले हो तो अलग बात है। लेकिन अगर पैसा निवेश आपके पास अमाउंट पूंजी है तो मेरा ख्याल है आज ही खरीदना कोई बुरी बात नहीं, आज खरीद ले। लेकिन अब बात करते हैं होम लोन के इंटरेस्ट रेट की, और ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय जो होम लोन इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं ये तकरीबन 10% के करीब करीब डबल डिजिट में जाने के करीब पहुंच चुके हैं, और ये हिस्टोरिकली आई वुड वांट टू से कि पिछले तकरीबन 12 साल में इतना ज्यादा होम लोन इंटरेस्ट रेट हमने नहीं देखा है। इसका एक और जो पहलू है वो ये है कि अगर आज आप उस इंटरेस्ट रेट पर होम लोन अफोर्ड कर सकते हो तो अगले चंद महीनों में हम इन इंटरेस्ट के दरों को गिरता हुआ देखेंगे, तो उस समय जब आज आपने जो ईएमआई आप दे रहे हो वो हो सकता अगले चंद महीने वो ईएमआई घटना शुरू हो जाए। तो मेरे विचार में और बल्कि सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है कि जब होम लोन इंटरेस्ट रेट्स हाइट पर हो उस समय अगर आप होम लोन अफोर्ड कर पाए तो आपके लिए पांचों उंगलियां घी और सर कड़ाई में। अच्छा, ये बात ठीक है, ये अच्छी बात आपने बताया कि अगर आप ऊंची ब्याज दरों को झेल लेते हैं, मतलब ऊंची ब्याज दर पे अगर आप घर लेने का साहस कर लेते हैं तो आपके लिए आगे अच्छा मौका ये होगा कि आगे अगर दरें कम होंगी तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, तो आपका बर्डन और कम हो जाएगा। और आप कह रहे हैं कि आगे घरों के दाम चूंकि अभी गिरने की संभावना नहीं है, लिहाजा अगर आपकी प्लानिंग है तो गुलाम जिया जी कह रहे हैं कि आपके लिए सही मौका है कि आप घर खरीद लें। लेकिन अब सवाल यह है कि घर तो खरीद लें, लेकिन क्या इस बात की उम्मीद करनी चाहिए कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है तो क्या कुछ, आप जैसे आपने कहा कि दाम बहुत
ज्यादा गिरने वाले नहीं हैं, तो क्या बढ़ने वाले हैं क्या? क्या कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा क्या? अब राजन जी एक बात बताइए, हम दो तरह से बात कर रहे हैं, एक तो कंज्यूमर के लिए जो एंड यूजर है जिनको खुद रहना है घर में, तो उनके लिए सुझाव आया कि आप घर खरीद लें, आगे कोई घर के दाम कम होने वाले नहीं हैं और अगर ब्याज दरें कम होंगी तो आपको राहत मिलेगी, तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई निवेश के, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमी अच्छी कर रही है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीदता है सर, अभी क्या उनको खरीदना चाहिए, ठीक ठाक रिटर्न मिलेगा, या आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है? मैं आपको फ्रैंक ओपिनियन देना चाहता हूँ कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो उसने रेसिडेंशियल मकान में नहीं करना चाहिए, उसके बजाय उसने कमर्शियल में करना चाहिए या रीट में करना चाहिए या किसी डेवलपर के शेयर में करना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अगर आप देखो कि जो ब्याज दर आज बड़े हैं और जो प्रॉपर्टी का दर है उस हिसाब से अगर आप देखो तो आपका जो रिटर्न आता है वो 2.5 से 3% से ज्यादा आता ही नहीं है। दूसरी हमारी सरकार से मांग है कि जिन्होंने भी अगर रेंटल के लिए अगर घर खरीदा या किसी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा तो उनको इनकम टैक्स में छूट देनी चाहिए, जिसके बारे में सरकार विचार कर रही है लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो 100% इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। या हालांकि अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बच्चों के लिए एक मकान चाहिए या बड़ा मकान चाहिए, तो 100% ये सही वक्त है। आपने एक सवाल जो गुलाम जिया सर को पूछा उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ कि घर खरीदने के लिए हर वक्त सही होता है। अच्छा, इतना ही है कि ये ऐसा होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, जो शादी करते हो बात करते हैं आदमी, उसी तरह अगर आपको मकान पसंद आ गया और आपके बजट में है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप दोबारा मत सोचो, वही डील क्लोज कर दो और श्री गणेश बोलकर आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, ये तो ठीक है, ये तो सर आइडियल सिचुएशन है कि भाई, वो तो ठीक बात है कि जब किसी को रहने के लिए घर खरीदना है तो फिर वो बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं देखता है और आप कह रहे कि देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभिषेक जी आप जरा बताएं, क्या मैं अगर डायरेक्ट आपसे पूछूं, क्या आगे घरों के दाम बढ़ने वाले हैं या अभी घरों की कीमतों में बढ़ोतरी की कोई बड़ी उम्मीद आपको नहीं दिख रही है? सर मेरा मानना यह है कि घरों की कीमत जो मैं पिछले 1-1.5 साल से देख रहा हूं, ओवरऑल नेशनल एवरेज ना देखते हुए अगर मैं लग्जरी हाउसिंग की बात करूं प्राइम सेक्टर्स में, जैसे कि गुड़गांव हो गया, गुड़गांव के गोल्फ कोर्स और गोल्फ कोर्स से मिलता हुआ एक्सटेंशन एरिया हो गया, सोना रोड हो गया, या आपका नोएडा की तरफ जाए तो सेक्टर 43 गोल्फ कोर्स के आसपास एक्सप्रेसवे हो गया, उसमें यहाँ पे एक साल के अंदर 15 से 20% की ग्रोथ आई है। जो चीज 15,000 रुपए फुट थी वो 20-22,000 रुपए फुट तक हो गई है। और उसका रीजन मैं जो पास रहते हुए देख रहा हूँ ये है कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ घर नहीं है। अगर आप चाहेंगे भी तो आपको यहाँ घर मुश्किल मिलेगा, तो उसकी डिमांड इतनी है कि, और मैं ये मानता हूँ अगर रियल एस्टेट के अंदर आपको एज एन इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर सकते हैं आप हाउसिंग के अंदर, डिपेंड करता है, क्योंकि एक तो ये ठोस चीज है, ठोस चीज का मतलब है कि ये सबसे प्राइम एसेट है, तभी इसका रिटर्न भी कम है, लेकिन ये प्राइम इसलिए है कि ये एक सोने की ब्रिक है, या आपने ले ली तो इसका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर अच्छा डेवलपर है, लोकेशन अच्छी है, तो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी रिटर्न वाइज ना देख के उसको ये देखें कि हाँ जी हमने एक चीज ली है जो सॉलिड है और आगे जाके उसकी कीमत घटने नहीं वाली। तो उसके लिए मैं चाहूंगा, अगर कोई भी चाहता है, उसको मेरी पर्सनल ऑनेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि लोकेशन अगर सही है और डेवलपर अगर अच्छा है, बिल्डर अगर अच्छा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही है, तो आप प्राइम लोकेशन में इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे वो 10-15% महंगी हो, क्योंकि वो चीज कभी भी घटेगी नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड साउंड है और एप्रिसिएशन जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ सप्लाई कंस्ट्रेंट हो रही है, आज हम दिल्ली के अंदर पर स्क्वायर फुट रेट देखें और गुड़गांव के अंदर पर स्क्वायर फुट रेट देखें, अभी भी उसके अंदर हालांकि जो फर्क है कम हुआ है लेकिन अभी भी बहुत फर्क है। और गुड़गांव का लाइफ स्टाइल और गुड़गांव की डिस्पोजेबल इनकम, या जिस तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, जिस तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ यहाँ पे है, तो धीरे 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 इसने बढ़ना ही है। पर अगर कहीं आप गुड़गांव के आसपास सोना के इलाके में चले जाएंगे या फिर कहीं चले जाएंगे जहां पे इतना प्राइम एरिया नहीं है और वहां पे आप सोचेंगे कि जी मैं महंगी चीज लूं, वो मत करिए। आपको बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है और ठीक प्राइम लोकेशन पे करना है जहां आने वाले समय में सप्लाई नहीं, क्योंकि गुड़गांव या नोएडा यहाँ पे अवेलेबिलिटी और स्पेस कम है। अगर हम डेवलपर की तरफ बात करें तो हमें प्रोजेक्ट भी नहीं मिलते हैं,
हमें इतना ज्यादा ढूंढना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइम प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है। राइट सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अब 10-10 सेकंड में रैपिड फायर राउंड, चूंकि हम कार्यक्रम के आखिर में हैं, राजन जी आपसे शुरुआत 10 सेकंड में, इस साल के आखिर तक घरों की डिमांड यहाँ से कितनी बढ़ती हुई आपको दिख रही है? सर मेरे हिसाब से जो लास्ट ईयर सेल हुआ उससे कम से कम 50% जो डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि अपना खुद का एक मकान होना चाहिए। ठीक है गुलाम जिया जी, आपके हिसाब से घरों की डिमांड बढ़ेगी घटेगी? डिमांड तो हमेशा से रही है और बरकरार रहेगी। मैं ट्रांजेक्शन्स की बात करना चाहूंगा, कितने ट्रांजेक्शन्स होंगे, कितनी बिक्री होगी। मेरे हिसाब से पिछले साल के बनिस्बत 20-25% के दरमियान बिक्री में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, 20-25% ज्यादा बिक्री आप देख रहे हैं घरों की। अभिषेक जी आपका टेक सर इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि बढ़ेगा तो पता नहीं परसेंटेज से, लेकिन घटेगी नहीं सर। अच्छा घटेगी नहीं, तो मतलब दो लोग कह रहे हैं कि बढ़ेगी, अभिषेक जी कह रहे हैं कि बढ़ेगी का आइडिया नहीं, लेकिन घटेगी नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मतलब घटती नहीं है तो कम से कम उसी लेवल पे रहेगी। तो कुल मिलाकर जो आउटलुक है घरों की बिक्री का वो बुलिश है। मतलब बुलिश से मतलब कि सब लोग ये कह रहे हैं कि आगे जो घरों की डिमांड है वो बढ़ेगी। जो एंड यूजर हैं, जो फर्स्ट टाइम बार, उनके लिए सलाह ये है कि आपके लिए सही मौका है घर खरीदने का। आगे घरों के दाम कम नहीं होने वाले हैं। ये दो महत्वपूर्ण राय इस शो से निकल कर आई। और तीसरी बड़ी राय ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो राजन जी ने कहा कि आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, वहाँ आपके लिए ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश बनेगी। तो ये तीन महत्वपूर्ण टेक इस शो से निकल कर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजन जी आपका, गुलाम जिया जी आपका, अभिषेक त्रहन जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। नमस्कार।